खबर दें कि बदीन के इलाके में मदरसे से छुट्टी करने पर उस्ताद ने तालिबे इल्म पर मुबैना तशद्दुद किया। वालिद ने इल्जाम आयद किया है कि बच्चे को पानी के पाइप से मारा गया है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे इमरान अब्बास से। जी इमरान अब्बास, बताइएगा बच्चे पर तशद्दुद किया गया है, क्या वालिद ने किसी करीबी पुलिस थाने में कंप्लेन नहीं की है? जी बिल्कुल, अभी तक वालिद ने कंप्लेन नहीं की है, लेकिन मीडिया पर आकर उसने बताया है, बच्चे को उसने साथ आया है कि नवाई गांव है, रिप का मदरसा है, वहां पर तालीम हासिल करने वाला 7 साल का बच्चा उजैर को उस्ताद फरमान कालपुर ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया है, पानी के पाइप से मारा है। बच्चे के वालिद ने यह भी इल्जाम लगाया है कि बच्चे का उसने गला भी दबाया और उसे जमीन पर भी फेंका। उसका यह कहना है कि बच्चा बुखार के बायस जो है वो एक दिन मदरसे नहीं जा सका था, को जैसे ही दूसरे दिन गया तो उस्ताद ने उसको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वक्त वालिद ने जो है वो मुतालबा किया है कि बच्चे पर तशद्दुद करने वाले उस्ताद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। वो इस वक्त जो है वो थाने रवाना भी हो चुका है, लेकिन इस वक्त बच्चे के पर जो शदीद तशद्दुद किया गया है जिसके निशानात बच्चे के जिस्म पर वाज़ेह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान अब्बास।